नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. टू मासेज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अटैच टू द स्ट्रिंग्स एज शोन इन ए फिगर. इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन टेन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा. टेन थीटा, थीटा मतलब फाइंड करना है आपको. ये सिस्टम कुछ इस तरह से दिया है, ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं और उनसे कुछ मासेज हैंग किए गए हैं. एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, ये दो वर्टिकल स्ट्रिंग है. ये वाली स्ट्रिंग को वॉल से फिक्स किया गया, इस स्ट्रिंग को भी यहाँ पे वॉल से फिक्स किया गया, ठीक है. तो सब कुछ सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी किसी भी पॉइंट पे देखोगे नेट फोर्स जीरो ही मिलेगा आपको. वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो मिलेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो मिलेगा. क्लियर. अब आप जरा इसको देखो, अगर ये यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ, ये एंगल 45 दिया है आपको, ये वाला भी 45, ये वाला सब कुछ, सारे एंगल, ये सारे एंगल इसमें 45 45 हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सिमेट्री है इस लाइन के अबाउट, तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब एंगल सेम है, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो इस तरफ जो टी का कंपोनेंट होगा और इस तरफ जो इस टी का कंपोनेंट होगा, वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है. ये जो स्मॉल एम है, ये तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देगा एम, स्मॉल एम जी. हॉरिजॉन्टल में तो कोई देगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ इन दोनों टेंशन के कंपोनेंट होंगे, और अगर वो कैंसिल नहीं करेंगे तो ये सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा. जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल करने चाहिए. तो कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ये दोनों टेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे. इधर कंपोनेंट लगेगा टी कॉस 45, इसका इधर कंपोनेंट लगेगा टी कॉस 45, टी कॉस 45, टी कॉस 45, कैंसिल कर देंगे, ठीक. अगर आप T1 T2 भी मानोगे तो इस तरफ आ जाएगा T2 cos 45, इस तरफ आ जाएगा T1 cos 45, और दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो cos 45 कैंसिल आ जाएगा, T1 is equal to T2 आ जाएगा, ठीक है. तो हमने पहले से ही TT मान लिया है उसमें. तो T की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसका होगा T sin 45, इसका भी होगा T sin 45, तो 2T sin 45 और वो mg के बराबर होगा. तो T की वैल्यू निकल आई, 2t sin 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू एम जी. तो t यहाँ से निकल आया आपका mg/√2. यानी इन दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा वो आपने फाइंड कर लिया, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, ठीक. अब जरा इस पॉइंट की इक्वेशन बनाते हैं और इसमें कुछ मान लेते हैं टेंशन कितना है, टी डैश कह देते हैं इसको, और इसका ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है ये है थीटा. तो इसके भी दो कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, टी डैश साइन थीटा अलग से बना लेते हैं. ये पॉइंट है, ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट आ रहा है इसका, तो वो आ रहा है टी डैश साइन थीटा. इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, तो आएगा टी डैश कॉस थीटा. नीचे क्या लगेगा, एम जी का वेट, कैपिटल एम जी. और इधर क्या लग रहा है 45 के एंगल पे, ये है टी. तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर भी और एक इधर भी. तो इधर होगा T/√2 और इस तरफ भी क्या होगा, T/√2. टी की वैल्यू कितनी है, mg/√2, ठीक. तो T/√2 बन कितना जाएगा, टी की वैल्यू mg/√2 और T/√2 दो रूट टू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा mg/2. इसका मतलब ये भी कितना होगा, T/√2 हटा के इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल mg/2, ठीक. अब बस वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं. तो वर्टिकल फोर्स की इक्वेशन क्या बनने वाली, टी डैश साइन थीटा जो बनने वाला है, वो बनने वाला है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी, ठीक. हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो टी डैश कॉस थीटा क्या बनने वाला है, तो बनने वाला है सिर्फ स्मॉल एम जी बाई टू. अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, तो ये टी डैश है, टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इधर आ गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा कितना बनने वाला, अगर टू एलसीएम ले लें तो टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो टू अगर एलसीएम ले लेते हैं तो टू यहाँ आ जाएगा और इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बन गया टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम. स्मॉल एम से अगर हम डिवाइड भी कर दें तो टेन थीटा आपका आ जाएगा 1 + 2 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ठीक. तो देखते हैं क्या आंसर मिलने वाला है आपको. तो इसमें ए आंसर भी मिल जाएगा, टेन थीटा क्या आ रहा है, 1 + 2 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम. क्लियर. तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें दो जंक्शन थे, एक जंक्शन ये था और एक जंक्शन ये था, ये दो जंक्शन थे. इन दोनों जंक्शन पे आपको नेट फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखनी थी. वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स,
ऐसे लेफ्ट का जो फोर्स है वो राइट के बराबर होगा, ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के बराबर होगा। क्लियर?